हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने डाइपोल को फील्ड में डाला तो उसमें टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कैलकुलेट किया था, राइट। तो अब एक थोड़ा स्पेशल सा टॉपिक है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो है कि व्हेन यू प्लेस अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देन व्हाट हैपेंस। ओके, सो लेट्स से कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑल राइट। एंड अगर मैं इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ले लो, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ले लो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी गिवन बाई दिस वन, मतलब ई एज अ फंक्शन ऑफ आर, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है, इस चीज़ को समझना, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। अब जगह चेंज करने का मतलब या तो एक्स कॉम्पोनेंट चेंज, एक्स एक्सिस चेंज, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई या जेड, तीनों में से कोई भी चेंज करो एंड इसके ये वैल्यूज चेंज होते रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता रहेगा। नाउ लेट्स से आई प्लेस अ डाइपोल, I place a dipole in this electric field, okay? I'm not drawing the lines anymore. So this right here is our dipole. ये अपना negative charge हुआ, ठीक है? And this is our positive charge, okay? अब इस नेगेटिव चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ले लेते हैं आर वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ले लेते हैं आर वेक्टर, एंड नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ले लेता हूँ एल वेक्टर, ठीक है। एल वेक्टर क्या है? पोजिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। आई विल जस्ट मेंशन दैट दिस इज माइनस क्यू, this is minus q and this is plus q, all right। अब ये दोनों जगह पे अलग अलग फील्ड होने वाला है, यहां पे फील्ड कितना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? फील्ड लेट्स से यहां पे जो फील्ड होने वाला है इट इज e एंड कितना पोजिशन वेक्टर है इसका? r है, तो e एट r, ओके, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट्स से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एट, ये देखो इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर प्लस एल वेक्टर, तो आर प्लस एल वेक्टर, ऑलराइट। अब देखो, अब इस पे देखो, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई एम नॉट राइटिंग द फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। नाउ अब इसके वजह से जो फोर्सेस होगा इस डाइपोल पे जो होगा नेट फोर्स, व्हाट वुड दैट नेट फोर्स बी? नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज गोइंग टू बी प्लस क्यू, पे कितना फोर्स है? प्लस क्यू इंटू उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ई एट आर प्लस एल, ठीक है, प्लस माइनस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा? माइनस क्यू इंटू ई एट आर, ऑल राइट। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो देखो क्या आ जाएगा, क्यू को बाहर निकाल लो तो देखो क्या आने वाला है, ई एट आर प्लस एल माइनस ई एट आर, ठीक है, तो ई एट आर प्लस एल इंटू माइनस ई एट आर, आर वेक्टर, राइट। तो ये होगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल, तो अगर मैं इसको, if I multiply and divide by L, what do I get?
लुक एट इट, एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, क्यू इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय ई एट आर प्लस एल माइनस ई एट आर होल डिवाइडेड बाय एल. ऑल राइट, नाउ व्हाट इज क्यू एल? क्यू एल वुड बी व्हाट? क्यू एल इज आर पी. क्यू एल क्या है? डाइपोल मोमेंट है. तो इस इधर से देखो क्या आने वाला है, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ई एट आर प्लस एल माइनस ई एट आर होल डिवाइडेड बाय एल. ऑल राइट, सो दैट वुड बी द फोर्स. दिस इज द आइडियल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द फोर्स. फोर्स ऑन अ डाइपोल कैलकुलेट करना है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स निकालो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालो, दोनों का वेक्टर सम करो. दैट इज द एब्सोल्यूट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ डाइपोल. ठीक है, नाउ इसके कुछ वेरिएशंस है. देर आर अ कपल ऑफ वेरिएशंस जिसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी बता देता हूँ. नाउ जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक डाइपोल पे नेट फोर्स निकालना है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स, वो दोनों निकल के उसका वेक्टर सम करना है. ठीक है, एंड जिसका वैल्यू ये आएगा, यू कुड सी दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द फील्ड एट द पॉजिटिव एंड एंड दिस इज द फील्ड एट द नेगेटिव एंड. ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे जो फील्ड है उसका डिफरेंस होगा. ऑल राइट, तो उस पर उस तरफ ये फोर्स आने वाला है. राइट, नाउ व्हाट इफ दिस डाइपोल इज स्मॉल? फॉर अ स्मॉल डाइपोल, फॉर ए स्मॉल डाइपोल एल का वैल्यू क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो. तो एल वुड बी ऑलमोस्ट जीरो. तो देन इफ आई ट्राई टू फाइंड द फोर्स, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? देखना ध्यान से. इफ आई ट्राई टू फाइंड द फोर्स, देखो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू लिमिट एल टेंड्स टू जीरो पी इंटू ई एट आर प्लस एल माइनस ई एट आर डिवाइडेड बाय एल. ऑल राइट, ना ये p क्या है? p कांस्टेंट है, p को बाहर निकालो तो लिमिट इस चीज़ का होगा. ना जस्ट थिंक अबाउट इट, इस l को छोटा करने से ये भी छोटा होगा, तो बेसिकली दिस चेंज वुड बी वेरी स्मॉल. ऑल राइट, सो देख सकते हैं कि दैट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव. ठीक है, e इंटू ई एट आर प्लस एल माइनस ई एट आर बाई एल, उसका लिमिट वेयर एल टेंड्स टू जीरो इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू पी टाइम्स डी ई बाई डी एल. नाउ टू बी स्पेसिफिक, आई शुडंट बी राइटिंग डी ई, आई शुड बी राइटिंग डेल. ठीक है, आप अगर अच्छे बुक्स पढ़ोगे, अगर इरोडोव का बुक पढ़ोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इरोडोव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बुक पढ़ोगे यू विल गेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, नाउ तो दिस पी इज इक्वल पी इंटू डेल ई वेक्टर बाय डेल एल, दिस इज द फोर्स ऑन द डाइपोल का फॉर्मूला. ठीक है, फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. नाउ यू माइट सी कि यू माइट थिंक कि ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, प्रेश डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव करना, बट लेट मी टेल यू दिस डेरिवेटिव इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव. इसको कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ठीक है, इसको कहते हैं ये जो डेल ई बाय डेल एल, इसको कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव. नाउ ये अपने सिलेबस के बाहर है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ओके, नाउ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है, वो हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नाउ अभी मैंने तुमको बस एक आइडिया दिया कि किस तरह से हो सकता है. व्हाट वी कैन डू इज कि इसके कुछ केसेस देख सकते हैं. ठीक है, वी कैन टोन दिस डाउन इनटू कंपोनेंट्स एंड लेट्स लुक एट दी केसेस. ओके, नाउ
अब हमने जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला देखा वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, उसका मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज़ कि मैं सिंपलर केस से उसको बिल्ड करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है. सो व्हाट विल डू इज़ कि एक सिंपल सा डाइपोल ले लेते हैं, एक सिंपल सा डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. ऑल राइट, नाउ दिस पर्टिकुलर डाइपोल इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है. लेट्स से कि दिस इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो. लेट्स से कि हियर देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. एक्स पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है. तो अब इस माइनस क्यू चार्ज पे, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया. लेट से कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ एंड इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले लेता हूँ. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो लेंथ है इट इज डेल्टा एक्स, ठीक है. ये जो लेंथ है वो क्या है, डेल्टा एक्स. डाइपोल का साइज डेल्टा एक्स है, ओके. तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इफ आई राइट द डाइपोल मोमेंट, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला रहेगा. पी इज गोइंग टू बी क्यू टाइम्स डेल्टा एक्स, राइट. तो ये तो पता ही अपने को, चार्ज इंटू लेंथ होगा. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह पे चेंज होगा, इधर अलग होगा इधर अलग होगा, राइट. तो लेट से कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई, इसको नाम देता है ई. ऑल राइट, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो गया और बढ़ गया या कम हो गया, वॉट एवर, इसको ले लेते नाम ई प्लस डेल्टा ई. ऑल राइट, इनफैक्ट वॉट आई एम गोइंग टू डू हियर इज कि सिंस दिस इज जस्ट अ फील्ड विच इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, मैं इसको ई एक्स नाम दे देता हूँ, ठीक है, ई एक्स. बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विथ वन कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग ही बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इधर फील्ड कितना ई एक्स और इधर फील्ड कितना ई एक्स प्लस डेल्टा ई एक्स. ऑल राइट, तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ई एक्स के ऑपोजिट लगेगा. मतलब इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगने वाला है वो है इस तरफ, ठीक है. एंड जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फोर्स किधर लगेगा, वो इस तरफ ही लगेगा. ऑल राइट, तो इसको नाम दे देता एफ माइनस एंड इसको नाम दे देता एफ प्लस, ओके. ना ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो इसके वजह से इस पे नेट फोर्स जो होगा वो इस तरफ होगा, ओके, दैट इज द नेट फोर्स. सो लेट्स राइट द नेट फोर्स. तो इसका भी नेट फोर्स क्या रहेगा, नेट फोर्स, नाउ टू बी स्पेसिफिक, ध्यान से देखना इसमें, ये नेट फोर्स जो है एफ कौन सा रहेगा, एफ एक्स रहेगा, राइट. तो आई शुड राइट दैट एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स. तो एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये क्या रहेगा, देखो दिस वुड बी, इस पे कितना फोर्स है, प्लस क्यू इंटू ई एक्स प्लस डेल्टा ई एक्स, ठीक है, प्लस माइनस क्यू इंटू ई एक्स. ऑल राइट, नाउ जब ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे यू कैन सी दैट क्यू ई एक्स और माइनस क्यू ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा ई एक्स, ओके. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. तो इससे क्या आएगा, देखो क्यू इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स. ऑल राइट, तो यहां से देखो एफ एक्स कितना आया, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू डेल्टा एक्स, तो पी होता है, तो पी इंटू डेल्टा ई बाय डेल्टा एक्स हो गया. ऑल राइट, तो ऐसा हो गया. अब फॉर स्मॉल डाइपोल, व्हाट इफ द डाइपोल इज स्मॉल, फॉर स्मॉल डाइपोल यू कैन से दैट डेल्टा ई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो में इट इज गोइंग टू बी डी बाई डी एक्स. तो सिंपली एफ एक्स क्या होने वाला है,
पी इंटू डी ई बाई डी एक्स. ओके नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट केस जहाँ पे एक डाइपोल रखा गया उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग. ठीक है, तो इन दैट केस दिस राइट हियर इज द फोर्स ऑन अ स्मॉल डाइपोल. ओके, लार्ज डाइपोल है तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, क्या करना है करके, मतलब इंडिविजुअल चार्जेस पे फोर्स निकालना पड़ेगा. नाउ अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे ई जो है एक्स के साथ चेंज हो रहा है. ठीक है, अब एक मैं दूसरा एक तरीके का वेरिएशन दिखाना चाह रहा हूँ, सेपरेट टाइप ऑफ वेरिएशन डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो वेरिएशन इज लाइक दिस कि देर इज अ डाइपोल प्लस चार्ज इधर, माइनस चार्ज इधर. ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. ओके, अब ये यहाँ से वाई हाइट पे है. ओके, यहाँ पे वाई हाइट पे, एंड ये जो लेंथ है, ये जो दिस पर्टिकुलर सेपरेशन, इसको ले लेता हूँ डेल्टा वाई. ठीक है, इसमें डेल्टा वाई ज़्यादा बड़ा दिख रहा है बट जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन. ओके, दिस इज डेल्टा वाई. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम वाई एक्सिस के अबाउट जाओ तो ई एक्स चेंज होते रहे. इसका मतलब क्या है, व्हेन यू मूव अप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट से सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई एक्स. देख सकते हो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई एक्स ही है, एक्स कॉम्पोनेंट है. उसी तरह से इसका भी डायरेक्शन क्या है, इट इज ऑल्सो ई एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा डेल्टा ई एक्स. द कॉम्पोनेंट इज एक्स कॉम्पोनेंट, जस्ट लुक एट द डायरेक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि समथिंग लाइक दिस है. जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस, आई एम ड्रॉइंग द फील्ड वेक्टर्स राइट हियर, ऐसे इट कुड बी लाइक दिस. ऐसा फील्ड, नॉट फील्ड लाइन्स, दिस आर फील्ड वेक्टर्स. ओके, तो इस तरह से इमेजिन करो कि y के चेंज होने पे देखो e चेंज हो रहा है. ऑलराइट, ओके, तो एक विजुअलाइज करने के लिए यू कैन इमेजिन, जो तुमने विस्कोसिटी पढ़ा था उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता था, y दूरी पे जाके v वेलोसिटी होता था, y प्लस डी वाई दूरी पे कितना होता था, v प्लस डी वी होता था, उसी तरह से. ठीक है, सो हियर देर इज अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बट इट इज वेरिंग एज यू गो अप. ऑलराइट, इट मे ऑल्सो वेरी एज यू गो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बट द डाइपोल हियर इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस, इसलिए वाई एक्सिस के अबाउट मूव करते. ऑलराइट, नाउ तो ये जो डाइपोल रहेगा, ये दिस पर्टिकुलर डाइपोल, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, इसका जो डाइपोल मोमेंट रहेगा P, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वाई. ऑलराइट, सो दिस इज आवर माइनस Q चार्ज एंड दिस सर प्लस Q चार्ज, दिस इज आवर माइनस Q एंड दिस इज आवर प्लस Q. ओके, अब व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन प्लस Q, प्लस Q पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इसी के अलॉन्ग होगा, so that is the force on plus q, and what is the force on minus q, this one. You can clearly see in dono ke variation mein, you can see that here ye jo force hai, this is not, these two forces are not producing any torque, but this would produce a torque. We are not dealing about torque right now, we are only dealing with this one. Theek hai, forces. To yahan pe is pe jo force rahega क्या रहेगा बोलो, द फोर्स इज गोइंग टू बी एफ इज इक्वल टू एफ प्लस प्लस एफ माइनस, या टू बी स्पेसिफिक ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर आई कुड डू दिस वन, डजंट मैटर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू
ई प्लस ई एक्स प्लस डेल्टा ई एक्स माइनस क्यू इंटू ई एक्स, ठीक है। तो इधर से एफ एक्स, ध्यान से देखना ये जो फोर्स है वो तो एफ एक्स ही है। यू कैन सी दैट दिस नेट, द नेट फोर्स इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एंड इट इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसमें ये देखो क्या आ जाएगा एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा ई एक्स, ठीक है, क्यू इंटू डेल्टा ई एक्स। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि आई वांट द डाइपोल मोमेंट, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा वाई। तो व्हेन आई डू दैट एफ एक्स का वैल्यू क्या आया, क्यू टाइम्स डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ई एक्स बाय डेल्टा वाई। ओके, तो यहां से आया अपना फोर्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू वुड बी पी इंटू डेल्टा ई एक्स बाय डेल्टा वाई, ठीक है। चेंज इन ई एक्स, इधर सॉरी चेंज इन ई एक्स आना चाहिए, ठीक है, चेंज इन ई एक्स बाय चेंज इन वाई। ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट अ स्मॉल डाइपोल, अगर ये स्मॉल डाइपोल होता तो क्या लिख सकता हूँ, फॉर अ स्मॉल डाइपोल, स्मॉल डाइपोल, छोटे से डाइपोल के लिए तुम बोल सकते हो सीधा लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो कर दो, तो उसमें से एफ एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू, एफ एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी टाइम्स, सॉरी पी टाइम्स डी ई एक्स बाय डी वाई, ठीक है, डी ई एक्स बाय डी वाई। ऑलराइट, नाउ दीज आर जस्ट बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न आगे। तो ये तो बस मैंने दो स्पेशल केसेस बता दिए जहाँ पे एक डाइपोल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है एंड द वेरिएशन इन फील्ड इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ओनली। इन द सेकेंड केस व्हाट आई हैव डन इज द डाइपोल इज ओरिएंटेड अलॉन्ग वाई एक्सिस, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस बट द वेरिएशन ऑफ दैट फील्ड इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, ऊपर जाने पे ये फील्ड चेंज हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू पॉइंट्स। नाउ लेट्स अज्यूम ये चीज z एक्सिस पे भी हो सकता है, ठीक है, यू कैन थिंक अबाउट इट, z एक्सिस के लिए भी सिमिलर कंसेप्ट लग जाएगा, डेल ई एक्स बाई डेल ई जेड आ जाएगा, है ना। तो आई राइट दैट ऑल्सो, ठीक है, कि फॉर z एक्सिस, फॉर z एक्सिस एफ एक्स वुड बी वॉट p टाइम्स डी ई एक्स बाई डी जेड। ओके, सो राइट, तो अभी एक चीज नोटिस करो, एक ही डाइपोल को अलग अलग, एक ही मतलब अलग अलग जगह पे आपने रखा, तो ऐसे रखने से पी डी एक्स बाई डी एक्स आया, ऐसे रखने से पी डी ई एक्स बाई डी वाई आया, और ऐसे रखने से z एक्सिस के अवर्ड रखने से पी डी एक्स बाई डी जेड आएगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स से कि इस पे एक ऐसा डाइपोल ले लेते हैं, एक वन सिंगल डाइपोल जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों तरफ वेरी कर रहा है, ठीक है, लेट्स लुक एट दैट एंड एक डाइपोल पे वो कैलकुलेट करता है। ऑल राइट, वील कीप द डाइपोल अलॉन्ग x एक्सिस एंड x, y एंड z सब तीनों फील्ड। अब ध्यान से एक चीज नोटिस करना, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, वन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट विच इज फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, उसका वेरिएशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड लिया, तो तीन चीजें आए, तीन टर्म्स आए। इसी तरह से वाई के अलोंग का चेंज, वाई के अलोंग का चेंज में भी एक्स वाई एंड जेड के अलोंग साथ चेंज होगा, जेड का भी साथ एक्स वाई एंड जेड के साथ चेंज होगा, तो देयर वुड बी नाइन टर्म्स, टोटल नाइन टर्म्स होंगे। वो नाइन टर्म्स डिटरमाइन करेगा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल, ठीक है, वी आर जस्ट टेकिंग अप इंडिविजुअल स्टेप्स राइट नाउ। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट एक काम करते हैं, वी विल पुट अ डाइपोल ऑन द एक्स एक्सिस एंड लेट्स सी कि सारे तीनों कॉम्पोनेंट्स है वो कैसे चेंज हो रहा है उसको देखते हैं। ऑलराइट, ओके, तो अब एक काम करते हैं कि एक डाइपोल को एक्स एक्सिस पर रखते हैं, ठीक है, सो दिस इज अ डाइपोल, ये माइनस क्यू एंड दिस इज
प्लस क्यू, ऑल राइट। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन डेल्टा एक्स, ठीक है। हियर यू शुड अंडरस्टैंड कि चेंज जो है वो सिर्फ एक्स के अलोंग है, ऑल राइट। चेंज सिर्फ एक्स के अलोंग है, ऑल राइट। नाउ अब इधर इस रीजन में एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। नाउ हियर्स अ थिंग, ये इंडिविजुअली ई एक्स ई वाई एंड ई जेड वो सारे एक्स वाई जेड पर डिपेंड करेंगे, मतलब किसी एक को भी चेंज कर दो। मैं लिख देता हूं कि ई एक्स ई वाई एंड ई जेड ऑल डिपेंड ऑन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। मतलब पोजिशन चेंज होगा, खाली एक्स चेंज करोगे तो भी तीनों चेंज होगा, खाली वाई चेंज करोगे तो भी तीनों चेंज होगा, खाली जेड चेंज करोगे तो भी तीनों चेंज होगा। दैट्स द मोस्ट जनरल केस। अभी जनरली अभी ऐसा केसेस होता है जहाँ पे ई एक्स जो होगा वो सिर्फ एक्स के साथ चेंज होगा, ई वाई जो होगा सिर्फ वाई के साथ चेंज होगा, ई जेड जो होगा सिर्फ जेड के साथ चेंज होगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये सोच लिया कि सबके साथ चेंज हो रहा है, तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है या ये जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इस माइनस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कंपोनेंट्स होंगे, तीन कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा एक्स के अलोंग, एक होगा वाई के अलोंग और एक होगा जेड के अलोंग, ठीक है। तो उस पर फोर्स जो होगा माइनस क्यू पे, इट वुड बी ऑपोजिट टू ऑल दिस। मतलब अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो ई एक्स, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स क्या रहने वाला है, ये होगा फोर्स विच इज क्यू इंटू ई एक्स, ऑल राइट। ई वाई का डायरेक्शन ऊपर है, ई वाई का डायरेक्शन ऊपर है, तो उसके वजह से जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड्स रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया अपना कौन सा, ई क्यू टाइम्स ई वाई, सॉरी, ऑल राइट। एंड ई जेड का डायरेक्शन ऐसा है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे आई थिंक, तो मैं इसको ये बता देता हूँ कि दिस इज एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस, ओके। एंड हर जगह पे अलग तीनों कंपोनेंट्स ऑफ फील्ड है, तो फोर्स ऑन नेगेटिव वुड बी ऑपोजिट टू ऑल, ठीक है। तो ये माइनस क्यू चार्ज है ना इस पे। अब इस पे जेड एक्सिस के अलोंग का जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, इट वुड बी लाइक दिस। अगर जेड एक्सिस के अलोंग का फोर्स फील्ड ऐसा है तो फोर्स उसके ऑपोजिट रहेगा, तो फोर्स रहेगा ऐसे, ठीक है। दिस इज क्यू इंटू ई जेड, ओके। नाउ व्हाट अबाउट ऑन प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे क्या सीन है? तो पॉजिटिव चार्ज पे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ, और वो फोर्स कितना रहेगा, देखो, क्यू इंटू ई एक्स प्लस डेल्टा ई एक्स, ऑलराइट। वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड वुड बी अपवर्ड्स, तो उसके वजह से जो फोर्स होगा वो भी ऊपर की तरफ ही होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू इंटू ई वाई प्लस डेल्टा ई वाई, ऑल राइट। एंड जेड कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो जेड फील्ड के अलॉन्ग रहेगा, एंड दैट वुड बी क्यू इंटू ई जेड प्लस डेल्टा ई जेड, ऑल राइट। तो देख सकते हैं कि एक ही डाइपोल पे कितने कंपोनेंट्स हो गए फोर्सेस के, इस चार्ज पे तीन कंपोनेंट्स, इस चार्ज पे तीन कंपोनेंट्स, और फील्ड्स के ऑपोजिट है, ओके। अब नेट फोर्स निकालते हैं, तो अभी अगर नेट फोर्स निकाले तो यू कैन सी दैट कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है व्हाट इज दैट, इट इज क्यू ई एक्स प्लस डेल्टा ई एक्स माइनस क्यू ई एक्स, ऑल राइट। तो यहां से देखो, मैं ऐसा लिख देता हूं, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक काम करता हूं, इस डाइपोल को वापस बना देता हूं, एंड ये है अपना माइनस क्यू,
ये अपना प्लस क्यू, दिस इज डेल्टा एक्स. तो लाइक आई सेड यहाँ पे दो, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज. तो इधर दो, सॉरी तीन कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोर्सेस है. फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज दिस वन, कितना आएगा देखो, दिस माइनस दिस. तो वॉट इज दैट, इट इज क्यू इंटू डेल्टा ई एक्स. ठीक है, फिर y कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स देखो, दिस माइनस दिस. तो y कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू q इंटू डेल्टा ई वाई. ऑल राइट, एंड सिमिलरली z कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, इट इज लाइक दिस एंड दैट इज q इंटू दिस माइनस दिस. तो क्या आएगा, q इंटू डेल्टा ई जेड. ऑल राइट, नाउ अब इस का वैल्यू लिखता हूँ. देखो एक साथ मैं लिखने आ रहा हूँ इसका. तो क्या आने वाला है कि एफ एक्स अगर लिखो, एफ एक्स कितना रहेगा, एफ एक्स इज सिंपली क्यू इंटू डेल्टा ई एक्स. एफ एक्स इज सिंपली क्यू इंटू डेल्टा ई एक्स. व्हाट आई विल डू हियर इज कि यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या, इट इज क्यू इंटू डेल्टा एक्स ना, इन दिस केस क्यू इंटू डेल्टा एक्स. तो एफ एक्स कितना रहेगा, देखो एफ एक्स इज गोइंग टू बी क्यू इंटू डेल्टा एक्स. तो वॉट आई डू इज एक डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ. तो क्या आएगा, क्यू इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स. ओके, तो वॉट इज दिस, पी इंटू डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स. वॉट इज एफ वाई, एफ वाई क्या रहेगा, क्यू इंटू डेल्टा ई वाई. नाउ इसमें अगेन मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, देखो क्यू इंटू डेल्टा ई वाई मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. तो क्यू टाइम्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा एक्स. तो ये कितना है, देखो पी टाइम्स डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा एक्स. ऑल राइट, अब एफ जेड, एफ जेड कितना रहेगा, देखो एफ जेड वुड बी अगेन द सेम थिंग, क्यू इंटू डेल्टा ई जेड इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा एक्स, विच इज पी इंटू डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा एक्स. ऑल राइट, तो इसमें देख सकते हो कि ई वाई ई जेड एंड ई एक्स तीनों डेल्टा एक्स के साथ चेंज हुआ है. ठीक है, नाउ दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोर्सेस. नाउ फॉर अ स्मॉल डाइपोल क्या हो जाएगा बताओ, फॉर अ स्मॉल डाइपोल, फॉर ए स्मॉल डाइपोल क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इट इज पी इंटू डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा एक्स. मतलब उसका मतलब वो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, डी ई एक्स बाई डी एक्स. ऑल राइट, डी ई एक्स बाई डी एक्स. बट हियर इज द थिंग, मैंने ये बोला कि ई एक्स जो है वो एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड करता है. तो ये जो डेरिवेटिव है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्स का चेंज. तो ये जो रहेगा इट शुड बी पार्शियल डेरिवेटिव. तो ये क्या हो जाएगा, आई शुड राइट इट लाइक दिस, इट इज गोइंग टू बी पी इंटू डेल ई एक्स बाई डेल एक्स. ऑल राइट, सिमिलरली एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई क्या हो जाएगा, पी इंटू डेल ई वाई बाई डेल एक्स. एंड एफ जेड क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी पी इंटू del ez by del x. So finally if you want to write the net force as a vector, ये क्या हो जाएगा, fx i cap, fx i cap plus fy j cap plus fz k cap. तो ये तो देखो, अभी एक dipole को मैंने सिर्फ x axis के along रखा था. तो उस डाइपोल को एक्स एक्सिस पे रखा एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो तीनों कंपोनेंट्स लेके किया, तो मुझे क्या मिला, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस.
बट हियर द फील्ड्स आर चेंजिंग ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ऑल राइट, नाउ आई एम गोइंग टू जनरलाइज द होल थिंग. मतलब एक ऐसा डाइपोल है, एक सिंगल डाइपोल जो कि स्पेस में एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट तीनों है उसके. ऑल राइट, एंड देन वील ट्राई टू फाइंड. देखो ये एक ही कॉम्पोनेंट मान सकते, दिस इज जस्ट द कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स. तो y कॉम्पोनेंट, z कॉम्पोनेंट उसके भी तीन तीन आएंगे, तो यू विल गेट टोटल 9 टर्म्स. ऑल राइट, सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. अभी सबसे जनरल केस देख लेते इसका, कि एक डाइपोल है ये x, y एंड z एक्सिस में स्पेस में एक डाइपोल है p वेक्टर, और इसी रीजन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर रहेगा. राइट, नाउ इसका पी जो डाइपोल है उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई और एक होगा पी जेड. ऑल राइट, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, विच इज ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड ऑल डिपेंड ऑन एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, आई शुड राइट मे डिपेंड. ठीक है, ऑल मे डिपेंड. सो सबसे जनरल केस है कि सब में डिपेंड कर रहा है. ऑलराइट, एक्स वाई एंड जेड सब पे डिपेंड कर रहा है. अब इसको देखो कि व्हाट वी विल डू इज, जो हमने वो एक डाइपोल को एक्स एक्सिस पर रख के किया था, तो वो वही चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे फॉर इंडिविजुअल ऑफ देम. ठीक है, ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड के लिए. ऑलराइट, तो अगर मैं पी एक्स के बारे में बात करूँ, दिस इज पी एक्स, ये है अपना पी एक्स. तो पी एक्स पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा वो ऐसा रहेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा वो ऐसा रहेगा, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा वो ऐसा रहेगा. राइट, तीन फोर्सेस लग रहे हैं इस डाइपोल पे, एंड वो क्या क्या रहेगा, दिस वुड बी पी एक्स इंटू डेल, ये जो कॉम्पोनेंट है वो जो फील्ड है वो ई एक्स है, एंड किधर से किधर चेंज हो रहा है, एक्स के अलॉन्ग चेंज हो रहा है, तो डेल ई बाई डेल एक्स. ये जो फील्ड है इधर क्या रहेगा, कौन सा डाइपोल है पी एक्स, डेल ई कौन सा रहेगा इसका, डायरेक्शन क्या है वाई, एंड चेंज जो डाइपोल का लेंथ है वो चेंज किसके अलॉन्ग हो रहा है, एक्स के अलॉन्ग, तो डेल ई बाई डेल ई वाई बाई डेल एक्स होगा. ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे पी एक्स इंटू डेल, डायरेक्शन जेड हो गया, और चेंज इन द डाइपोल किधर से किधर है, एक्स के अलॉन्ग, तो ऐसा होगा. सो दैट इज आर फर्स्ट डाइपोल, मतलब फर्स्ट कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट पे जो फोर्सेस है वो मैंने बताया. सिमिलरली वाई पे देखते हैं. ठीक है, वाई पे तो वाई कॉम्पोनेंट जो है अपना, वाई कॉम्पोनेंट ऐसा रहेगा, दिस इज आर वाई कॉम्पोनेंट पी वाई. इस पे भी तीन फोर्सेस रहेंगे, एक फोर्स होगा ऐसे, एक ऐसे y के अलॉन्ग और एक z के अलॉन्ग. ऑलराइट, तो इनके वैल्यूज क्या क्या हो गए. अब देखो ये वाला क्या रहेगा, डाइपोल कौन सा, पी वाई, पी वाई इंटू डेल e, e कौन सा है, e x है, और ये y के अलॉन्ग चेंज हो रहा है, तो ये डेल y हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली ये क्या होगा, डाइपोल इज पी वाई, एंड ये जो फील्ड है दैट इज ई वाई, तो डेल ई वाई बाई ये जो चेंज है वो भी क्या है, अलॉन्ग वाई है. और ये जो रहेगा इसका भी डाइपोल पी वाई इंटू डेल ई जेड हो गया, ये डेल ई जेड बाई ये जो चेंज है वो किसके अलॉन्ग है, डेल वाई होगा. ऑलराइट, सो दीज आर द थ्री फोर्सेस. नाउ अबाउट द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए बोलते, जेड कॉम्पोनेंट के लिए बोलते, तो this right here is our z component pz. तो इस पे देखो क्या क्या forces है, एक force तो along z रहेगा, एक force along y रहेगा,
और एक फोर्स अलोंग एक्स रहेगा, ठीक है। अब इनके वैल्यूज क्या क्या है देखो, इसका जो वैल्यू रहेगा ये रहेगा पी जेड इंटू ये कॉम्पोनेंट क्या है डेल ई एक्स बाई डायरेक्शन किसके अलोंग ये जो अलोंग दैट इज डेल डेल जेड, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्या रहेगा डाइपोल इज पी जेड इंटू डेल ई वाई बाई ये जो चेंज है वो किसके वजह से होगा डेल जेड, ऑल राइट। इसका पी जेड डेल ई जेड बाई डेल जेड। तो देखो इस एक डाइपोल के तीन कॉम्पोनेंट्स और हर कॉम्पोनेंट पे तीन फोर्सेस, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, 9 टर्म्स हो गए, समझ गए। तो अब अगर मैं इस पूरे डाइपोल पे जो नेट फोर्स है, आई एम गोइंग टू राइट दी नेट फोर्स क्या रहेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। अब मैं पूरा उस तरह से नहीं लिखने वाला, आई एम गोइंग टू राइट इंडिविजुअल टर्म्स विच इज एफ एक्स कितना होगा, एफ वाई कितना रहेगा, एफ जेड कितना रहेगा, वो दे लिखता हूँ, ठीक है। एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड, ये एक डाइपोल के लिए बोल रहा हूँ, ओके। नाउ तीनों कॉम्पोनेंट्स पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस है, ये देखो ये वाले पे कौन सा है, देखो पी एक्स डेल ई एक्स बाय डेल एक्स, इस पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है पी वाई डेल ई एक्स बाय डेल वाई प्लस इस पे देखो क्या है पी जेड डेल ई एक्स बाई डेल जेड, ऑल राइट। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट, इस पे देखो वाई कॉम्पोनेंट किसके, ये देखो ये वाला पी एक्स इंटू डेल ई वाई बाई डेल एक्स, डेल ई वाई बाई डेल एक्स प्लस इसका क्या रहेगा पी वाई डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस इसका क्या रहेगा पी जेड डेल ई वाई बाई डेल जेड, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नाउ सिमिलरली अपने जेड का लिख देते हैं, तो पी एक्स डेल ई जेड बाई डेल एक्स, पी एक्स डेल ई जेड बाई डेल एक्स प्लस पी वाई डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस सॉरी ये ई जेड होगा ई जेड बाई डेल वाई एंड पी जेड पे डेल ई जेड बाई डेल जेड होगा। यू कैन सी दैट देर आर 9 कॉम्पोनेंट्स, 9 टर्म्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, एक डाइपोल पे जो लग सकता है, ऑल राइट। नाउ इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू इमेजिन कि इतने सारे फोर्सेस लग रहा है, मतलब इतने सारे टर्म्स लग रहे हैं एंड सारे ई के वगैरह वेरिएशंस के वजह से हो रहा है। नाउ इसका एक मैं सिंपलेस्ट केस जो मैं कह सकता हूँ कि अगर डाइपोल इज लाइंग ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर डाइपोल इज लाइंग ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सीधा देखो पी वाई जीरो पी जेड जीरो, ये 6 टर्म्स गए, ठीक है, तो सिर्फ 3 कॉम्पोनेंट्स आ गए, तो दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप प्लस दिस के कैप हो गया, राइट। अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस लाई कर रहा तो ये तीन गए, तो अगेन 3 कॉम्पोनेंट्स वाला हो गया फोर्स। जेड एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा तो ये 6 गए, ठीक है, तो इट इज ईजी इन दैट केस। नाउ द अदर थिंग दैट आई कुड टेल यू इज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रहा है, वाई के अलॉन्ग या जेड के अलॉन्ग चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सारे गए, देखो डेल वाई डेल जेड वाला पार्ट पूरा गया, ठीक है। तो इस तरह से सिंपलर केसेस बनते हैं। तो यू कैन सी दैट दिस वॉज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, बट आई वॉन्टेड टू गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर। आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि ये इस लेवल का क्वेश्चन आए या ना आए, मे बी वी कैन एक्सपेक्ट
जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस जेई एडवांस के पेपर्स वगैरह आपने नहीं देखा होगा क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो 12th में, लेकिन जेई एडवांस के पुराने पेपर्स में देखेंगे तो वो नए नए कंसेप्ट का जो हमारे सिलेबस में नहीं है उस कंसेप्ट पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बना के दे देता है, ठीक है? तो मे बी यू माइट एक्सपेक्ट दिस वन। नाउ इसका देर इज़ अनदर वे ऑफ डिराइविंग दिस, दैट्स सिंपलर वे ऑफ दैट, ठीक, सिंपलर वे ऑफ डिराइविंग दिस, सो लेट्स लुक एट दैट। ओके, तो उसमें क्या है कि यू नो वॉट द एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज इन अ फील्ड, एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ फील्ड क्या रहेगा, तो यू इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस पी डॉट ई, ठीक है? एंड फोर्स ऑन, फोर्स कितना होता है, फोर्स इज गोइंग टू बी माइनस ग्रेडियंट ऑपरेटर ऑफ यू, राइट? नेबला ऑपरेटर यूज होता है यहां पे। तो व्हेन यू यूज दिस लॉजिक, तो देखो एफ वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस डेल ऑफ माइनस पी डॉट ई, तो ये माइनस गया, तो दिस इज सिंपली डेल ऑफ p dot e. Now this is a complicated operation again. What I would, I'm not going to derive this, but एक simple सा चीज़ मैं बता दूँ, इसका जो result आएगा it would be this one, f is equal to p dot del into e vector. Now p dot del into e vector करोगे तो p dot del क्या रहेगा, what is p, इधर वो लिख देता हूँ मैं सारा चीज़, p vector क्या है, it is पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, नेबला ऑपरेटर क्या है, इट इज डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ठीक है? एंड आर ई वेक्टर क्या है, इट इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस EZ K cap. I'm not going to do this again, but एक सिंपल सा चीज़ बोल देता हूँ, when you do this dot product, ये क्या आएगा देखो, PX into del by del X, PY into del by del Y, PZ into del by del Z, ठीक है? तो वो एक थ्री टर्म comp ये मिलेगा, फिर वो तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली इन पे मल्टीप्लाई करोगे, तो लेट्स से PX into del by del X of EX, तो मतलब P x into del e by del x आ जाएगा, देखो ये फर्स्ट टर्म, ऑल राइट, प्लस पी वाई इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ ई एक्स, सेकेंड टर्म, पी जेड इंटू डेल बाय डेल जेड ऑफ ई एक्स, थर्ड टर्म, उसी तरह से बाकी तीनों में करोगे यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है? सो आई जस्ट डिराइव्ड दिस वेरी क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, ठीक है? नाउ आई जस्ट वॉन्टेड यू टू विजुअलाइज हाउ द फोर्सेज एक्ट ऑन अ डाइपोल, ऑल राइट? अब मैं इसके कुछ एक आध सिंपल केस बता देता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू शो यू अ वायलेशन ऑफ दिस टर्म, ठीक है? ये जो इसको सीधा यूज करने का डिफरेंशिएशन या नेबला ऑपरेटर यूज करने का एक वायलेशन दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, नाउ अभी हमने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा 3D वाला हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। नाउ इसको मैं बोल देता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंगल डायमेंशन पे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? या तो डाइपोल सिंगल डायमेंशन पे रहेगा या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वन डायमेंशन पे ही चेंज होने वाला है, ऑलराइट? सो इसमें जो कह सकता हूँ कि एक वायलेशन मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? वन वायलेशन, लेट से कि देर इज अ डाइपोल पी lying, there is a dipole P, ये जो P dipole है, ये P dipole जो है ना, it is lying on the origin, ये किधर lie कर रहा है, origin पे lie कर रहा है, let's say this is the x axis, ये y axis and ये z axis, all right? Here there is an electric field जो सिर्फ x axis के along change हो रहा है, ठीक है? E x axis के along ही है और x axis के along ही change हो रहा है, तो that E is equal to let's say E naught x cube, ठीक है? E is equal to E naught x cube or I'll write it as a vector E naught x cube i cap. Now my question is what is the force on this dipole, ठीक है? तो
इस डाइपोल पे जो फोर्स है वो कैलकुलेट करना है. यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस डाइपोल इज एट द ओरिजिन, ओके, 0.0.0. तो बाय डेफिनेशन इसका डाइपोल पे जो फोर्स रहेगा, यू कैन सी दैट दिस डाइपोल इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस. तो इसमें यू कैन सी दैट कि जो 9 टर्म्स थे उसमें वाई एक्सिस के अलोंग का चेंज एंड जेड एक्सिस के अलोंग का चेंज वो सब गया. पी वाई, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड तो गया, तो 6 टर्म्स गए. बाकी इन 3 टर्म्स में तो हमें सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स चाहिए. तो इधर से अपने सीधा सीधा फोर्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज गोइंग टू बी पी इंटू डी ई वाई डी एक्स. सीधा डी ई वाई डी एक्स लिखो क्योंकि इट इज़ ओनली चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट. तो डेल वगैरह लिखने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है. तो लेट्स डू दिस. तो इसमें क्या आएगा, देखो पी इंटू डी ई वाई डी एक्स कितना है, इट इज ई नॉट इंटू 3x स्क्वायर. ई नॉट इंटू 3x स्क्वायर, ये हो गया फोर्स. अब ये डाइपोल को किधर रखा गया, इट इज एट द ओरिजिन. तो x का वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो यहाँ से f का वैल्यू क्या आया, 0 आया, ठीक है. ऑब्वियसली हम लोग ये सोचेंगे कि ये सही है, बट हियर्स द थिंग, लाइक आई सेड द एब्सोल्यूट वे ऑफ फाइंडिंग फोर्स ऑन अ डाइपोल इज फाइंडिंग द फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव पे फोर्स निकालो एंड उसका वेक्टर सम करो. तो इफ आई ट्राई टू डू दैट, अगर मैं वो ट्राई करता हूँ तो देखो मुझे एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा. ये जो अपना इस पे, अब ध्यान से देखना, इधर ही मैं कर देता हूँ. अगर यहाँ पे मैं इसका पॉजिटिव चार्ज लिखो, दिस इज आवर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज आवर नेगेटिव चार्ज. ये अपना नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, ये अपना नेगेटिव चार्ज. अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से इस डाइपोल का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है. तो p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a लिख देता हूँ, ठीक है. 2a मतलब यहाँ से यहाँ a, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज, इसका इसका पोजिशन क्या हो जाएगा, a कॉमा 0 एंड इसका पोजिशन हो जाएगा माइनस a कॉमा 0. ऑलराइट, तो अब देखो इस पे a कॉमा 0 पे इसका फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इधर फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी ई नॉट इंटू ए क्यूब, ठीक है. एंड इधर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट इंटू माइनस ए क्यूब. देख रहे हो, ए माइनस ए का क्यूब मतलब माइनस ए क्यूब आ जाएगा, और माइनस ए क्यूब आई कैप मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, ये. तो ये कितना है, ई नॉट ए क्यूब हो गया इस तरफ. अब देखो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग फोर्स लगेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगने वाला किस तरफ है, इस तरफ, फोर्स ऑन पॉजिटिव. एंड नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इट वुड बी ऑपोजिट टू दैट, मतलब इस पे भी फोर्स इसी तरफ लग रहा है. तो ये फोर्सेस कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सीधा कह सकते हैं कि फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो अगर तुम ऐसे एनालाइज करो तो फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, एंड अगर ऐसे एनालाइज करो तो फोर्स जीरो आ रहा है. दिस इज सम लिमिटेशंस. तो दी एब्सोल्यूट वे ऑफ डूइंग दैट इज, वो तुमको प्रॉब्लम के प्रैक्टिस से तुमको पता चल जाएगा कैसे कौन सा यूज करना है करके, ठीक है. तो द एब्सोल्यूट वे ऑफ फाइंडिंग इट इज फाइंड द फोर्स ऑन इंडिविजुअल चार्जेस एंड डू द वेक्टर सम. डोंट यूज दिस मेथड टू ऑफ्टन, ठीक है. तो जस्ट, एंड इवन इफ यू यूज इट, आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट चेक इट कि क्या ऐसे में कुछ वायलेशन नहीं हो रहा है कि नहीं, ओके. सो दैट वॉज फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. ऑलराइट, थैंक यू.